तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। भैया कुछ सहारनपुरी कबूतर है सेल के लिए अवेलेबल, जो कोई भाई लेना चाहता है आप कॉल कर दीजिएगा दिए हुए नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। और अच्छे और रिजनेबल रेट में है सारे कबूतर, आपको अगर लेना चाहते हैं जो कोई भी भाई, तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है और कबूतर जो है आपको मिल सकते हैं कहीं पे भी। ये पहला पैर दिखा रहे हैं आपको कलसीरे कबूतर को, जो कि चली गया अभी, देखिए। दूसरा जो ये पैर है, ये है नफ्ते, काले बाजू वाले बोलते हैं इनको, ठीक है। नफ्ते कबूतर हैं ये, बहुत ही फेमस हुए हैं ये कबूतर। सहारनपुरी कबूतर अपने वजूद के कारण ही पहचाना जाता है, स्टैंडिंग पोजिशन वगैरह जो इनकी होती है। तो छाती एकदम बाहर की तरफ, तना हुआ सीना, गर्दन आसमान की तरफ, पूंछ ज़मीन की तरफ, ये सहारनपुरी कबूतर में पॉइंट्स जो है देखे जाते हैं। पतले बदन के बेसिकली बहुत सारी जगहों पे, देखिए तीसरा पैर देख लीजिए, ये भी नफ्तों में आ जाएगा। बेसिकली बहुत सारी जगहों पे सहारनपुरी कबूतरों को क्रॉस कर रहे हैं अभी, पंजाबी हो गए या मद्रासियों में, ताकि फ्लाइंग को थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि इनकी जो बॉडी है, बॉडी में अगर आप इनके थोड़े बल्कीपना यानी कि भारीपन अगर आ जाए इनकी बॉडी में, तो ये बहुत अच्छी परवाज़ करके वापस भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक और पैर दिखा दिया हमने, ये भी काले बाजू वाले ही हैं, ठीक है। तो तीन पैर अभी तक आप देख चुके हैं और आपको अभी नेक्स्ट पैर दिखाते हैं। ये देख लीजिए क्या बात है, ये बिल्कुल पतले सूते हुए, बोलते हैं ना सहारनपुरी कबूतर चूड़ी में से निकलने वाले कबूतर, ये है वो कबूतर। आप इनको चूड़ी में से निकालिए कबूतर, इतने पतले बदन के कबूतर है, ठीक है। और मैं बता रहा था इनकी परवाज़ के बारे में, इनको आप अगर क्रॉस करते हैं तो बहुत अच्छी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देख लीजिए ज़बरदस्त पैर है, आप फ़ोन कीजिए और आपके सारे कबूतर हो सकते हैं। जो कोई भाई लेना चाहता है दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त पैर है, क्या बात है, बहुत शानदार। और सारों की आंखें जो है क्रीमी शाइज़ है, जैसे कि होती हैं ऑलमोस्ट सहारनपुरी कबूतरों की, क्रीमी शाइज़ में है कबूतर। और पेयर्स भी हैं जो लगे हुए हैं, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, ये भी नफ्तों का ही पैर है, एक बहुत ही शानदार, ठीक है। और ये एक एडिटेड वीडियो, ये देख लीजिए कुछ यूनिक है, ठीक है। काले सहारनपुरी सफ़ेद सर वाले, बहुत शानदार, क्या बात है। इनका ये इनका देख लीजिए, इनके वजूद जो है थोड़े से भारीपन इनमें आपको दिखेगा। ये कबूतर बहुत अच्छी परवास करेंगे, सारे ही कबूतर अच्छी परवास करेंगे, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद आया वो ये वाला पेयर है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा जो सहारनपुरी कबूतर में भारीपन होना चाहिए वो है इनमें, ठीक है। और बाकी तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप क्रॉस करके अगर इनको आप परवास बढ़ाने के लिए कबूतरों के आप अगर यूज़ करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट और भी ज़्यादा बेहतर मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि थोड़े पतले बदल के बदन के होने के कारण जो कबूतर है ये हवा में ज़्यादा अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये एक और पैर आपको दिखा दिया हम लोगों ने, और बायर से आप मैसेज करके या कॉल करके आप उनसे प्राइस के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है। यूनिक पैर है ये। ये एक और पैर दिखाया, इसमें मादिन जो है ये थोड़ी सी मुझे क्रॉस लगी, ठीक है, थोड़ी सी नहीं है, क्रॉस ही है कबूतरी, कलंच कबूतरी, लेकिन एक यूनिक कलर है। नर जो है वो इससे पहले वाले जो पेयर्स देखे हमने उसी के टाइप का नर है, लेकिन मादिन जो है क्रॉस है। लेकिन एक बात इसमें ये है मुझे जो अच्छी लगी, कि जोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा बैठा हुआ है। ओरिजिनल सहारनपुरी कबूतर आपको अगर क्रॉस करना है तो इसी बदन की फ़ीमेल के साथ आप ऐसे मेल फीमेल में आप इसी तरह की बदन की फ़ीमेल लीजिए, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो मुझे बहुत पसंद आया ये पेयर, ठीक है। इसमें मादिन भी बहुत अच्छी है, छोटी सी मादिन है, और स्टैंडिंग में मादी की बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब स्टैंडिंग है। और नर तो है ही माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। कलंच कलर में कबूतर बनाएंगे, ठीक है, काले पूरे काले और सफ़ेद डॉट्स में जो कलंच कबूतरों में होते हैं वैसे कबूतर ये बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार और अच्छा पेयर लगा मुझे, बिल्कुल वाइट आइज मादिन की चमकती हुई, ये देखिए। ये एक और पेयर देखते हैं अभी, ये पूरे जो है आपको अभी हम दिखाएंगे नर, ठीक है, पेयर्स नहीं दिखाएंगे अभी, पूरे नर दिखाएंगे आपको। ये एक नर हो गया, ठीक है, और ये भी नफ्तों में ही काउंट होता है, पांच नर और एक फीमेल है इसमें। ये दूसरा नर हो गया, ये कलसीरों में काउंट होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार कबूतर, बहुत ज़बरदस्त खड़ा, क्या बात है। ये देखिए दोनों नर है, अभी आपको पांच नर एक मादिन दिखाऊंगा, कलंच की जैसी सेम एक और फीमेल है, ये देख लीजिए। ये जालदार कबूतर आ गया, ये भी नफ्तों में ही काउंट होता है बेसिकली, और इसको भी आप क्रॉस कीजिए तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। मैं भी सहारनपुरी कबूतर, मेरे पास भी तीन चार जो कबूतर है, मैं
अभी क्रॉस करके मैंने मद्रासियों में या पंजाबियों में डाल के देखा, हाई फ्लायर्स में भी जब मुझे बदन छोटा करना था तो मैंने हाई फ्लायर्स में भी क्रॉस करके देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बहुत शानदार रिजल्ट। मैं तो बेसिकली हाई फ्लायर्स कबूतर रखता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेरे एक्सपेरिमेंटल जोड़े हैं जो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ठीक है, अभी कुछ वीडियोस में हमको दिखाएंगे भी कि वो कौन से जोड़े हैं जिनको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिनके ऊपर। तो हमने आपको इसमें दिखा दिए हैं, देखिए 6 कबूतर है जिसमें 5 नर है, अभी ये छोड़ा तो ये भी नर है, और ये कलंसी जो दिख रही है आपको ये फीमेल है इसमें। ठीक है, तो 5 के 5 नर है। अगर कोई भाई इसको अगर क्रॉस करने के हिसाब से, अगर फीमेल्स के साथ क्रॉस करने के हिसाब से लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, या फिर आपने कोई भी कबूतर में क्रॉस करना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।